नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के अंतर्गत या राजस्थान ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को अलग अलग वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया है। साथियों, प्राचीन सभ्यताएँ पढ़ लेने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक्स आता है तृतीय श्रेणी अध्यापक में, वो आता है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। अतः साथियों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बाद राजवंश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। साथियों, हम राजवंश को भी उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने सभ्यताओं को पढ़ा था, नोट्स विद शॉर्ट्स के साथ और डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से। तो चलिए साथियों, हम राजवंश पढ़ने से पहले राजपूत काल पढ़ लेते हैं और राजपूत काल में राजपूतों का उदय कैसे हुआ वो जान लेते हैं। साथियों, पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में जो भूमि अनुदान की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। भूमि अनुदान का मतलब होता है भूमि को दान में देना, अर्थात पुण्य प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे राजा। भूमि दान में देते थे तो क्या होता था कि जो जिनको भूमि दान में देनी है वो लोग भूस्वामी बन बैठे थे, अर्थात भूमि तो उनको राजा ने दान में दी थी लेकिन वो भूस्वामी बन बैठे थे, उनको घमंड आ चुका था। फिर क्या होता है साथियों कि भूमि दान में लेने के बाद वे जो थे वे समय समय पर इसका फायदा उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, अर्थात अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र राज्य वो स्थापित करने लगे थे भूस्वामी। 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। पतन का कारण था हूणों का आक्रमण, ठीक है ना साथियों। इसी कारण सामंत राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर विभिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित किए साथियों, अर्थात उन्होंने अपने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए थे। कौन किसने किए थे? सामंतों ने, जिनको राजाओं ने भूमि दान में दी थी पुण्य प्राप्ति के लिए। फिर वहाँ मालवा शासक यशो वर्मन जो थे उनका उदय हुआ था, अर्थात मालवा शासक यशो वर्मन का जन्म हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ साथियों कि यशो वर्मन का जैसे ही उदय हुआ तो उनकी जैसे ही मृत्यु हुई वापस तो अव्यवस्था उनके वंशज हर्षवर्धन ने फिर एक बार व्यवस्था कायम की। अर्थात क्या हुआ कि यशो वर्मन का उदय हुआ तो थोड़ी शांति हो गई, उनकी मृत्यु हुई तो वापस वही अखंडित। उसके बाद फिर उनके ही वंशज हर्षवर्धन का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि व्यवस्था कायम कर ली हर्षवर्धन ने, जो यशो वर्मन के वंशज थे। लेकिन क्या होता है साथियों कि यशोवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। यशोवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में जैसे ही होती है तो यशोवर्धन की मृत्यु के बाद फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद फिर से असामाजिक जो है अशांति जो है वापस उत्पन्न होने लगती है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य जो है स्थापित होने लगे, अलग अलग लोग अलग अलग पिछड़ने लगे। अधिकांश राजपूत राजवंश थे साथियों, उस समय क्या हुआ कि अधिकांश जो राजवंश थे वो राजपूत ही थे। तो इस प्रकार इस युग के इतिहास को हम राजपूत युगीन इतिहास कहते हैं, अर्थात इसी युग को राजपूत युगीन इतिहास कहा जाता है। इस काल में राजस्थान में राजपूतों का भी उदय हुआ था साथियों। इस काल में क्या होता है कि राजस्थान में भी राजपूतों का उदय हो चुका होता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो राजपूत थे वो अपने सत्ता स्थापित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मालवा है ना, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत पुतों का जो है उदय हो जाता है और वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इस तरह 13वीं शताब्दी तक उनके अधिकार में भूभाग आ गया था, यानी पूरी 13वीं शताब्दी तक जो भूभाग था वो राजपूतों के अधीन हो चुका था। यानी कि 647 ईस्वी में तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और जैसे मृत्यु होती है तो वापस जो है अशांति उत्पन्न होने लगती है और अनेक अलग अलग भागों में राजपूत अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और 13वीं शताब्दी तक जो अधिकार है भूभाग पर वो पूर्ण तरह राजपूत जमा लेते हैं।
तो इस तरह से जो है राजपूतों का उदय होता है। अब हम देख लेते हैं साथियों कि राजपूत काल कहते किससे हैं, अर्थात राजकुल काल के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं राजपूत काल को लेकर। तो हम देख लेते हैं कि राजपूत काल कहते किससे हैं। तो देखिए साथियों, एक विद्वान ने कहा था कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये वी ए स्मिथ जो है आपके, उन्होंने कहा है राजपूत काल को लेकर। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी 7वीं सदी से लेकर मोहम्मद गोरी के गुलामों द्वारा दिल्ली पर अधिकार यानी कि 1206 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। ये भी राजपूत काल की एक परिभाषा है साथियों। हमने पहले राजपूतों का उदय पढ़ा था कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, अब हम राजपूत काल को लेकर उसकी परिभाषाएं जो है वो देख रहे हैं। साथियों, भारतीय इतिहास में मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो अमूमन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल जो है वो राजपूत काल कहलाता है। ये मोटे मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं साथियों, राजपूत शब्द का अर्थ एवं प्रयोग, अर्थात राजपूत का शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, उस इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ हुआ है। साथियों, राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना है और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था राजपूत शब्द का वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन नया नहीं है, प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग होता था। ये कहने वाले हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अर्थात गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि राजपूत शब्द नया नहीं है, इसका प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था। अब हम देख लेते हैं कि राजपूत जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, तो किन किन रचना में हुआ है, तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य, अर्थात चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के चाटक में, बाणभट्ट के हर्षचरित कादंबरी में और हवेनसांग की पुस्तक सीयूकी में भी राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है साथियों, ऐसा कहा जाता है। वैदिक काल में मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे। बाद में आकर शासकों की जाति के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मुसलमान के आक्रमण तक क्षत्रिय, बाद में ये राजपूत कहलाए। ये कहते हैं जगदीश सिंह गहलोत जी और ओझा जो है हीराचंद ओझा, ये भी इसका इनका समर्थक करते हैं इस परिभाषा को लेकर। साथियों, महाभारत में भी जो है कुलीन क्षत्रिय हेतु इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं, योद्धा के लिए किया गया है। कहाँ किया गया है? चंद बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जो 16वीं शताब्दी में जिसका निर्माण हुआ था, अर्थात जो कृति है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा कृत 16वीं शताब्दी की, उसमें भी राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं किया गया है, अपितु एक योद्धा के लिए किया गया है। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में भी जो है इस शब्द का प्रयोग, राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ना, योद्धा के लिए किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं, शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए किया गया था। अर्थात साथियों, राजपूत शब्द का जो प्रयोग है वो जाति के लिए नहीं किया गया, अपितु कुलीन वर्ग के लिए किया गया, योद्धाओं के लिए गया है, ना कि जाति वर्ग के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में हमने मात्र 9 मिनट में राजपूत का अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोग देखा है ना, उदय देखा। अगले वीडियो में हम राजपूतों का आदिवासन, अर्थात राजपूतों ने कहाँ कहाँ सत्ता स्थापित की और राजपूतों की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत को लेकर बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।